में गणेश विसर्जन के बाद पितृपक्ष में हार पकिया और मस्करिया गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। यह गणपति बप्पा नागपुर की राजा भोसले के महल स्थित निवास में स्थापित है। इस गणपति बप्पा की स्थापना पहली बार साल 1887 में हुई थी और ये परंपरा पिछले 237 सालों से अनवरत जारी है। 1887 में पश्चिम बंगाल में बड़ा संकट था और उस दौरान नागपुर के राजा चिमाजी भोसले बंगाल पर आक्रमण करने गए थे। वहां से विजय प्राप्त करने के बाद गणपति उत्सव तो समाप्त हो गया, लेकिन राजाओं ने गणपति बप्पा से विजय की मन्नत मानी थी और उस मन्नत को पूरा करने के लिए पितृपक्ष में इस गणपति बप्पा की स्थापना की गई। गणपति महत्व जो है कि बंगाल ब्लैक मैजिक का प्रकोप मिटवण्यासाठी तिथल्या लोकांच्या आमंत्रणावर इथून जेव्हा महाराज गेले तर पहिले गणपती बसले होते आणि त्या गणपतीसमोर ते नवस बोलला आणि जर मी विजय झालो तर आपला फार मोठ्या याच्यात उत्साह साजरा करेन। पण बंगालला तेव्हा यायला चार महिने युद्धाचा जो पिरियड पकडला तर जेव्हा ते वापस आले तर दुसऱ्या वर्षी त्या गणपती हा उठला होता आणि त्यामुळं नवस फिरण्यासाठी त्या पितृपक्षाच्या चतुर्थीला आणि गणेश स्थापने चतुर्थी एक मुहूर्त असल्यामुळे ह्या गणपतीला पितृपक्षामध्ये यांना स्थापन करून यांच्यासमोर नवस पूर्ण करण्यात आला आणि हा त्या उत्सव हा पब्लिकसाठी त्यावेळेस ओपन करण्यात आला होता आणि त्यावेळेसपासून ही परंपरा कायम आहे। 1787 या गणपती स्थापना झाली, ती 236 वर्ष या गणपतीमध्ये आज पूर्ण होत आहे या वर्षी। आणि विशेष जो महत्त्व आहे की 18 हाताची गणपती आहे, 16 हातामध्ये अयोध्या आहे, एक हात मुद्रेत आणि दुसरा हात आशीर्वादाचा, असा 18 हाताचे गणपती आहेत। पण महाराज म्हणत होते की मी जेव्हा युद्धावर होतो मला असं फासत होतं की माझ्या मागे गणपती 16 आयुध्य घेऊन उभे आहेत, त्यामुळे 16 हाताची गणपतीची स्थापना झालेली आहे आणि आजपर्यंत ती परंपरा कायम आहे। तब से लेकर अब तक यह परंपरा 237 साल से चली आ रही है। इन गणपति बप्पा को मन्नत लेने वाले गणपति भी कहा जाता है। यह भगवान गणेश का त्योहार है जो पितृपक्ष संपत तक चलता है और इसमें कई सांस्कृतिक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। नागपुर की इस अशून्य परंपरा को आज भी तत्कालीन राजाओं के वंशज मधोजी राजे भोसले द्वारा निभाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।